Hello, students. Let's do question number one of exercise 7.1, chapter number seven, triangles, class 9th, mathematics. Let's start. In a quadrilateral ABCD, this is a quadrilateral given to us ACBD. ACBD. AC equals to AD. Given, so we'll write, what is given to us? Given. क्वार ए सी बी डी ए सी बी एंड डी एंड गिव ए सी टू ए डी दिस एंड ए बी बाई एंगल ए ए बी बाइसे एंगल ए एंगल ए को बाइसे कर रहा है ए बी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा तो ये एंगल वन और ये एंगल टू ले देते एंगल्स देने से बहुत जल्दी रिजल्ट आता है एंड लेट्स शेड आल्सो कि कौन से ट्राइंगल्स है हमारे पास एंगल वन एंगल टू के ये एंगल वन का है ये इस ट्राइंगल का एंगल वन एंड दिस इज ऑफ एंगल टू ऑफ दिस ट्राइंगल ये हो गया शेडिंग एंगल ए ए बी बाई एंगल ए मीन्स ऑलसो गिवन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू टू शो ट्राएंगल एबीसी ए बी सी ग्रीन वाला टू प्रू टू शो क्या करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी ऑरेंज वाला एबीडी को हमको कन्ग्रेंट बताना है एंड व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एन बी डी और बीसी और बी डी के बारे में भी बताना है बीसी एन बी डी क्या होगा एंड टू शो बी सी इन बी डी ऑल्सो लेट्स वो भी प्रूव कर देंगे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ सो फार वीव स्टडी एस एस एग्जाम पढ़ी हमने और एक थियोरम पढ़ चुके हैं ए एस एंगल साइड एंगल और एक एग्जाम एस ए एस पढ़ चुके हैं तो लेट्स प्रूव इट बाई एस ए एस एग्जाम ओनली सो कंसिडर दिस ट्राइंगल्स ओनली इन ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी ABD, ट्राइंगल ए बी डी us? इज AB, टू फर्स्ट ए बी ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन ए बी इधर भी है, AB इधर भी ए बी ए बी दोनों में है तो लेट्स टेक ए बी to टू ए बी क्या हो गया कॉमन सेकेंडली इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में एंगल वन एंगल वन इक्वल टू इस ट्राइंगल में है A, B, इस ऑरेंज वाले में है टू तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इट इज गिवन टू अस हमें दे रखा है कि ए बी ए को बायसेक्स कर रहा है और थर्डली एक और चीज हमें गिवन है वॉट इज दैट इस ट्राइंगल में ए सी इस ट्राइंगल में है एडी ए सी और एडी क्या है इक्वल ए सी ए डी ए सी ए वाला एडी so, भी हमें क्या है गिवन है दिस इज गिवन टू अस हियर क्या गई एस दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए तो देख लेते हैं एक साइड ये एंगल और ये साइड कॉमन जो आ रही है साइड एंगल साइड इधर भी देख लो साइड एंगल साइड तो इस ट्राइंगल में एस एस इस ट्राइंगल में एस एस तो देर फोर बाय तो कौन सी एग्जाम लग गई देर फोर बाय एस ए एस कन्ग्रेंट एग्जियम इस एग्जियम से ट्राइंगल ए बी सी किसके कन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी के कन्ग्रेंट हो गया नाउ वॉट कैन यू सेबाउट बी सी एंड बी डी अब व ट्राइंगल्स कन्गोरेंट अगर एक बार जो ट्राइंगल कन्गोरेंट होते हैं तो ट्राइंगल में टोटल सिक्स पार्ट होते हैं हमारे पास और सिक्स में से थ्री पार्टी कन्गुरेंटी में यूज कर लिए तो बचे हुए जो थ्री पार्ट है क्या बज गए तीन पार्ट एक तो साइड बज गए और दो एंगल्स बज गए वो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे तो इट एम्प्लाइज बी सी इक्वल्स टू बी डी तो so बीसी इस ट्राइंगल का और बी डी इस ट्राइंगल का इक्वल होगा और रीजन है सीपीसीटी करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्गुरेट ट्राइंगल एक बार ट्राइंगल कन्गोरेन्ट हो जाते हैं तो उसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसे हम बोलते हैं सीपीसीटी करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ हैंस कन्गुरेव कंप्लीटेड क्वेश्चन सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो